गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज है सैटरडे। सो आज वीडियो एक्चुअली मैंने लेट पब्लिश किया क्योंकि कल मैं रात में जल्दी सो गया था, सुबह उठ के फिर मैंने एडिट किया, इस वजह से लेट पब्लिश हुआ। सो आज मेरा भाई भी बेंगलोर आ रहा है और मैंने उसको फ़ोन लगाया था, वो रेलवे स्टेशन तो पहुँच गया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई मैं लेने आ जाऊँ या फिर ट्राई करूँ, तुम पहली बार यहाँ पर आए हो बस या मेट्रो से आने का। सो वो बोला ठीक है मैं आता हूँ। बाद में उसने क्या होशियारी की भाई, ओला बुक करके आ रहा है, इससे अच्छा मैं लेने ही चला जाता। अब उसमें क्या सीखेगा कि यहाँ पे आके कैसे क्या बात करनी है। मैंने सोचा थोड़ा बस से आएगा तो बस में क्या रहता कि काफ़ी जगह पूछना पड़ता है, बार बार एक डाउट रहता है यार, अब लोकेशन पे पहुँचे नहीं पहुँचे, कौन सा बस स्टॉप आ रहा है, कौन सा क्या आ रहा है। सो यार मैं ऑफिस पहुंच गया। एक्चुअली भाई डायरेक्ट यहीं आ रहा है ऑफिस में। सो मैं भी थोड़ी देर से पहुंचने वाला होगा, 5-10 मिनट में, तब तक वेट करता हूं आ जाए वो। सो भाई मैं वापस रूम पे पहुंच गया और भाई को ले आया। एक्चुअली वो नहा रहा है। भाई लेके आया अपने फेवरेट लड्डू, जो कि भोपाल में एक डेयरी है, मनोहर डेयरी, अरे बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है यार। तो वहाँ के मुझे लड्डू बहुत पसंद है, बूंदी लड्डू। ये भाई पूरा पैक बैग में रख के लाया ना, तो थोड़ी दब से गए हैं, बट कोई नहीं। आ भाई ये देखो, फुल जूसी है भाई, सच में मज़ा आ रहा है। आ हा, मुझे इतने पसंद है। मुझे याद है एक बार हमारी कंपनी में एक कंपनी का एक और प्लांट ओपन हुआ था, जब हम लोगों को हाफ हाफ केजी के डब्बे बांटे थे कंपनी वालों ने, भाई पूरा हाफ केजी खा गया था अकेला। सो यार खाना बना लिया और खाने में बनाया है भिंडी रोटी। सो खाना मिलवाट के बनाया है, ये भी आ गया साथ में। हाय क्या, पहले भी आया है ये वैसे वीडियो में, ये है छोटा भाई मेरा। सो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद एक लोकेशन पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे आया तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आसपास की लोकेशन जो भी है वो घुमा दूँ। सो ट्राई करते हैं कोई अच्छी सी लोकेशन पे जाएं। के हैं कॉफ़ी ब्रेक के लिए, तो आज यहाँ पे सतीश को अपने कर्नाटक की कॉफ़ी टेस्ट करवा रहे हैं, फिल्टर कॉफ़ी। ठीक है देखो बताओ भाई कैसी है, पहली बार पी रहा है ये फिल्टर कॉफ़ी, नहीं समझ में आ रही, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ी देर और पियो क्या बताना। कॉफ़ी पी ली और टाइम भाई 5:38 हो गए, अब देखता हूँ कितनी देर में पहुँचते हैं हम लोग। सतीश को तो कॉफ़ी में मज़ा नहीं आया बोल रहा है, बट अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग और मे बी समथिंग 20+ किलोमीटर अभी डेस्टिनेशन और दूर है, थोड़ी देर से हाफ आवर में मे बी पहुँच जाएंगे। सही में नहीं लगी कॉफ़ी अच्छी? सही है। ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है ना? स्वीट कटहल कच्चा तो काफ़ी लोगों ने खाया होगा, बट ये पका हुआ है, देखो पकने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा मीठा लगता है। तो ये स्वीट कटहल खिलाया है आज सतीश को, कैसा लगा भाई? एक नंबर, पहली बार खाया। पहली बार खाया ना? पहली बार कटहल तो बहुत खाया, कटहल तो बहुत खाया, सब्जी में खाया है ना? हाँ कटहल तो वैसे हमारा फेवरेट भी है। अच्छा हाँ, ये वाला कटहल और ज़्यादा अच्छा लगा। कितना मीठा है? बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा है ना जैसे कि बिल्कुल चीनी घोल के उसमें डाल दिया, रस भरा हुआ है इसमें। 20 रुपये में यार काफ़ी ज़्यादा दे दिया। 20 रुपये में तो कच्चो ना दे तू। सो अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी आगे जाएंगे, डेस्टिनेशन यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर और दूर है और जगह का नाम है डीडी हिल, देव नारायण दुर्गा हिल। Thank you.
हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे रुक के फोटोग्राफी कर ली, सतीश की कुछ फ़ोटो क्लिक कर दी जो कि डांस वगैरह वाली। अब चलते हैं यहाँ से भाई, शाम हो रही है धीरे धीरे और हमें जाना है सबसे ऊपर उस पहाड़ी पे। सो मे बी 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएँगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, आज थोड़ी हवा नहीं चल रही, अदरवाइज यार इतना मस्त वेदर रहता है ना। बाजू में देवनारायण दुर्गा विलेज और ऊपर अपन को जाना है हिल स्टेशन पे। तो साइड में विलेज काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे वैसे। और यहाँ से अब चलेंगे ऊपर हिल पे, गाँव वालों को बहुत मज़ा आता होगा। साइड वे को अपन अभी सनसेट शूट कर सकते हैं। टेंपल तो मे भी क्लोज हो गया होगा, बट कोई नहीं, यहाँ से जो व्यू आने वाला है वो एक जबरदस्त। हाँ यहाँ तक आता है, इसके ऊपर नहीं जा रही। दिस इज फॉर लास्ट, 7 ही बजने वाला। तो भाई शाम का टाइम है, ऊपर से आज है सैटरडे इसलिए क्राउड बिल्कुल भी नहीं है ऊपर, लगता है हम ही लोग बस हैं। बट क्या करें भाई, कल कहीं दूसरी जगह का हमारा प्लान है। और ये देखो भाई व्यू। सो सबसे पहले तो व्यू रिकॉर्ड करते हैं, सनसेट शूट करते हैं, मे बी अच्छा आ जाए। यहाँ से आएगा व्यू भाई, ओ मैन ये व्यू देखो भाई। कोई नहीं, लेट आए लेकिन व्यू देखो तुम कितना अच्छा है। यहाँ ऊपर टेंपल है बट टेंपल क्लोज हो गया, बट ये व्यू। एक टाइम लैप्स बनाते हैं, शूट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा आता है टाइम लैप्स। यार शाम हो गई है और सनसेट हो गया है। देखो भाई यहाँ का व्यू कितना मस्त लग रहा है, फुल यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ी हैं। शेयर योर रिव्यू, कैसा लग रहा है यहाँ पे? हम नंबर तो नहीं दे सकते, नंबर तो हम 100 में से 100 ही दे दें। अच्छा 100 out of 100। हाँ लोकेशन कैसी लगी? बढ़िया लोकेशन लगी। हाँ पहले गए हो ऐसी लोकेशन पे? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम ना।
तो ये वाली जो लोकेशन है जस्ट बेंगलोर से समथिंग 60 किलोमीटर है, और लोकेशन का नाम है देवनारायण दुर्गा। अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे आते हो तो ऊपर एक टेंपल है, वो भी खुला मिलता है, जो कि अच्छा टेंपल है। इसके ऊपर और सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो गया। सेकेंड, आज सैटरडे है तो यहाँ पर क्राउड नहीं है, ना के बराबर है, बट संडे के दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। और ऊपर से ये देखो व्यू भाई, ये तो देवनारायण दुर्गा जो विलेज है उसका व्यू है, और उस साइड पड़ता है तुमकुर और इस साइड अपना बेंगलोर। सो अभी यहाँ से जाना है रिटर्न भी घर, रिटर्न पहुँचने में भी 2 घंटे लग जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे। अभी वैसे 7 बज गए हैं, थोड़ी देर और यहाँ पे बैठेंगे उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और भाई 7:15 बज गए, और इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया, दिख नहीं रहे होंगे। वैसे यहाँ सामने का व्यू देखो, यहाँ पे सनसेट हुआ है, वैसे तो काफ़ी लालिमा दिख रही है। वो ये है यहाँ का एक छोटा सा गांव देवनारायण दुर्गा। सो निकलते हैं यहाँ से अब। फाइनली हम लोग रूम पे पहुंच गए और अभी टाइम 9:30 बज गए हैं। सो अब वीडियो एडिट कर लेता हूं भाई, क्योंकि कल का हमारा प्लान है नंदी हिल जाने का, उसके लिए उठना पड़ेगा रात में 3 बजे। बट अभी हो रही थी बारिश, अगर रात में बारिश हुई तब तो जाना कैंसिल हो जाएगा, अगर बारिश नहीं हुई और अच्छे से हम लोग उठ गए तब तो जाएंगे पक्का। सो यार रूम पर आने के बाद खाना बना लिया, खाना बनाया है सतीश ने, दाल चावल बने हैं। सो हम लोग खाने वाले हैं दाल चावल, खाते हैं और फिनिश करते हैं सबसे पहले दाल चावल। तो यार खाना हो गया और फाइनली आज वीडियो एडिट होके भी अपलोड हो गया, तो सुबह आ जाएगा। और अभी रात के 12:15 बजने वाले हैं। सो अब हम लोग सोते हैं और आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।